स्टडी पर। मैं सरवण सिंह आप सभी फ्रेंड्स लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रास्ताना जीके के बारे में, और ये हमारे रास्ताना जीके का भाग नंबर 14 है, और मैंने इससे पहले 13 और वीडियो अपलोड कर दिए, तो आप हमारी प्ले लिस्ट में आकर देख सकते हैं। जो आगामी राजस्थान पुलिस राजस्थान पटवार के एग्ज़ाम के अंदर 100% आने की संभावना है। ओके फ्रेंड्स, आज हम बात कर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की। रानी दादी सती का विशाल मंदिर तो कहाँ पर है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये झुंझुनू में स्थित है रानी सती का विशाल मंदिर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी देवी है जो खंडित रूप में पूजी जाती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड, ऐसी कौन सी देवी है जो खंडित रूप में पूजी जाती है? शीतला माता देवी जो खंडित रूप में पूजी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाई जाति के लोग किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं? तो ये नारायणी माता को मानते हैं। ओके फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आगामी राजस्थान पुलिस राजस्थान पटवार के एग्जाम के अंदर 100% आने की संभावना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो किस देवी के मंदिर को शक्तिपीठ कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड, तो ये अंबिका माता का मंदिर है, कहाँ? ये जगत उदयपुर में अंबिका माता के मंदिर को शक्तिपीठ कहा जाता है। ओके फ्रेंड, और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम्बू जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था पिपरसर नामक तो गांव में हुआ था जाम्बू जी का जन्म। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है किस लोक संघ को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड, किस लोक संघ को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है जाम्बू जी को, जम्बेश्वर भगवान या जाम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, दादूपंथी के सार प्रकार तो कौन से? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड, दादूपंथी तो सार प्रकार एक थे खालसा वीरक तो उत्तराधे रत्नाधारी और खाकी है। ओके फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है, संत पीपा जी के बचपन का क्या नाम था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ये प्रताप सिंह था। संत पीपा जी के बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह। ओके फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है, टिक्का राग गोविंद तो किसकी रचना है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, ये मीराबाई की है, टिक्का राग गोविंद रचना मीराबाई की। ये जितने भी क्वेश्चन सीरीज है ना फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर मैं राजस्थान पुलिस राजस्थान द्वारा रिकॉर्ड के एग्जाम के अंदर 100% आपको देखने को मिलेगा, जो आपको एग्जाम को यह क्रैक करने के लिए रामबाण सिखोगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मीराबाई को, राजस्थान की राधा कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड। और अगर तो अगला क्वेश्चन है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड, तो वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को कहा जाता है वागड़ की मीरा। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, राम स्नेही मंद के संस्थापक कौन थे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड, राम स्नेही मत के संस्थापक कौन थे? ये थे संत राम शरण जी महाराज थे। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस लोक संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड, किस लोक संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? और ये थे शरणदास जी महाराज ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव का सर्वोत्तम केंद्र कौन सा है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव का सर्वोत्तम केंद्र कौन सा है? ये ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह किस जिले में स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, ये अजमेर जिले में स्थित है ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह। हमारा अगला क्वेश्चन है, बागड़ के धनी के रूप में किसे जाना जाता है? यह नरहट के पीर को बागड़ के धनी के रूप में प्रसिद्धि है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता कल्ला जी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड, लोक देवता कल्ला जी राठौड़ का जन्म हुआ था मेड़ता में, और मेड़ता कहाँ है? नागौर में। ओके फ्रेंड, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो पिछली बार बना था पटवार के अंदर, लोक देवता कल्ला जी राठौड़ का जन्म तो मेड़ता में हुआ था।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिनाथ जी का मेला किस स्थान पर पड़ता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड, मल्लिनाथ जी का मेला तो किस स्थान पर पड़ता है? ये पड़ता है तिलवाड़ा में, और तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर के अंदर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुकारनी माता मंदिर में सफ़ेद सुओं को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड, करणी माता मंदिर में सफ़ेद सुओं को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड, और ये काबा मतलब इधर और ये सफ़ेद सुए के दर्शन को मतलब ये पवित्र माना जाता है। ओके फ्रेंड, तो आज की सीरीज हम यही समाप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारी सीरीज कैसी लगी, और कमेंट करना फ्रेंड्स। आगामी जो राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार, रायकोट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है, जो आपको एग्ज़ाम को एक क्रैक करने के लिए 100% ये कारगर सिद्ध होगी, रामबाण तरीके से ये सिद्ध होगी। और मैंने इससे अलावा मैं साइंस के भी और अलग से वीडियो अपलोड कर दिए, जो आप हमारी प्ले लिस्ट में आकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमें कमेंट बॉक्स में तो बताना ये हमारी सीरीज कैसी लगी, और मैं इससे भी तो बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा फ्रेंड, और मैं बहुत इम्पोर्टेंट मैं सीरीज इस लाता रहूँगा जब तक आपके एग्ज़ाम कम्प्लीट नहीं हो जाते। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।